चौका में हमारे एक्सपर्ट से उनके ट्रेडिंग आइडियाज क्या हैं वो समझते हैं। हमारे साथ वैशाली, आप अभी कह रही थी कि इंडेक्स पर कंट्रोल्ड व्यू बनाकर चलेंगी, लेकिन फिर बताइए स्टॉक स्पेसिफिक जहां आपकी नजर है, आपने कहा स्टॉक स्पेसिफिक बाजार में काफी मौके मिलेंगे, कौन से ट्रेडिंग आइडियाज इस वक्त आप जो हमारे साथ शेयर करने वाली हैं? फिलहाल हम देख रहे हैं मिड कैप स्टॉक्स में ज्यादा एक मोमेंटम है, एंड फ्रंट लाइन में भी जो मिड कैप्स में है तो वन ऑफ देम इज हिंद कॉपर। कई दिनों के बाद कंसोलिडेशन के बाद आज एक अच्छी सी बुलिश कैंडल बनी है और रेजिस्टेंस लेवल के ऊपर अब सस्टेन कर रहा है। मेरा मानना है अभी फिलहाल 120 लेवल्स पे चल रहा है, 117 के स्टॉप लॉस के साथ 128 का एक टारगेट बन सकता है। दूसरा जो स्टॉक मैं रेकमेंड करूंगी वो है नेटको फार्मा, बिकॉज ओवरऑल एक अच्छा बुल रन सेटअप हो चुका है और यहाँ पे आप देखेंगे एक नया राउंड ऑफ मोमेंटम की शुरुआत ही हो रही है। 670 के स्टॉप लॉस के साथ 730, 750 और इंट्राडे मोमेंटम ट्रेड अगर आप देखना चाहेंगे तो एयू बैंक में फिलहाल दोबारा एक मोमेंटम पकड़ रहा है। 780 का भाव चल रहा है, बट अगर 787 को क्रॉस करता है तो नेक्स्ट टारगेट वुड बी 800। सो मोमेंटम बेस के हिसाब से मैं एयू बैंक रेकमेंड करूंगी और स्टॉप लॉस रहेगा 765। ठीक है, तो यहाँ पर जो है वो ट्रेड का चौका इस खास सेगमेंट में खास जो है रिकमेंडेशन आती हुई जहाँ पर आपको निगाह रखनी है वैशाली जी ने दी। और राहुल, अब आपकी बारी है। क्रिकेट की पिच पर जब हम चौके की बात करते हैं तो बड़ा बड़ा ज़रूरी होता है कि एक गैप देखा जाए, वो गैप और वो ऐसा शॉट कि आपके बल्ले पे बॉल लगे और वो एक आवाज़ आए, वो साउंड बता देता है कि साहब ये पार है। तो आपको कहाँ पर वो साउंड नजर आ रहा है, किन सेक्टर्स पर फोकस करना चाहेंगे आप? जी बिल्कुल प्रशांत, और कोशिश यही रहती है कि हमारे दर्शकों को ज्यादा से ज्यादा अच्छे ट्रेड्स बता सकें। देखिए, सबसे पहले आज का सिलेक्शन जो है वो देवयानी इंटरनेशनल का है, 193 194 के आसपास ट्रेड कर रहा है। देखिए, कंपनी जो है ये आने वाले अभी जून क्वार्टर के जो नंबर पेश करेगी, मेरी एक्सपेक्टेशन है कि वहाँ पे काफी अच्छे नंबर पेश कर सकती है। और अगर इसका ग्रोथ अगर आप देखें, अगर जिसने डिलीवर किया है पिछले 5 सालों में, अगर सीएजीआर बेसिस पे देखें तो कम से कम 53.7% सीएजीआर से इसका प्रॉफिट ग्रोथ हमने आती हुई देखी है। और टेक्निकली भी अगर आप देखेंगे तो स्टॉक एक अच्छे मोमेंटम में ट्रेड कर रहा है, अपने सारे ही इंपॉर्टेंट शॉर्ट और लॉन्ग टर्म के जो ईएमएज हैं उसके ऊपर ट्रेड कर रहा है। एक फ्लैग एंड पोल का फॉर्मेशन है डेली चार्ट्स पे, जिसका मोमेंटम मुझे लगता है 196 क्रॉस होते ही आपको दिखेगा। तो यहाँ पे इसमें खरीदारी की सलाह रहेगी। टारगेट लेवल रहेंगे देवयानी में 210 से 215 के, और इसमें जो स्टॉप लॉस लगाना होगा वो होगा 188 पे। सेकंड सिलेक्शन है एनसीसी, जो कि करीबन 129 रुपीज के आसपास ट्रेड कर रहा है। देखिए, यहाँ पे कंसोलिडेशन का एक ब्रेकआउट मिला है। ये कंसोलिडेशन करीबन महीने भर से चल रही थी, जो कि करीबन 120 रुपए ऑन दी लोअर साइड एंड 128 रुपए ऑन दी हायर साइड। इस कंसोलिडेशन का हमें आज ब्रेकआउट देखने को मिला है, वॉल्यूम्स भी शानदार हैं। तो यहाँ पे टारगेट जो बन के आ रहे हैं वो 145 से 150 के हैं। स्टॉप लॉस यहाँ पे 122 रुपए का प्लेस करना होगा। थर्ड सिलेक्शन आईटीसी है, जो कि एक एक तरीके से कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं इन्वेस्टमेंट कॉल है, क्योंकि इस कंपनी का इंट्रोडक्शन तो देने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। सभी मार्केट में पार्टिसिपेंट आईटीसी को बहुत अच्छे से जानते हैं। बट यहाँ पे जो गौर करने वाली बात यह है कि आईटीसी जो है वो अपने जो इन्वेस्टमेंट्स कर रही है वो अपने कॉम्पिटिटिवनेस जो उसकी बिजनेस में है उसको इम्प्रूव करने के लिए कर रही है, ताकि वह आने वाले फ्यूचर में उसको फ्लरिश कर सकें और उसमें थ्राइव कर सकें। और यहाँ पे कंपनी का फोकस डिजिटली बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, ताकि वह अपने पीयर्स के साथ में नेक टू नेक कॉम्पिटिशन कर सकें। तो वो टेक्नोलॉजी में, डिजिटलाइजेशन में और आईटीसी नेक्स्ट स्ट्रैटेजी, आईटीसी मार्स, इस टाइप के कुछ आइडियाज लेके आ रहे हैं, जो कि मुझे लगता है संजीव पुरी जी के जो आईटीसी कंपनी है उसको बहुत जोरदार आने वाले दिनों में आप देखेंगे। तो यहाँ पे टारगेट 500 रुपये प्लस के रख रहा हूँ और स्टॉप लॉस रहेगा 460 का आईटीसी के अंदर। शुरुआत में ही पहले 10 मिनट में ही आपके पास 5 ट्रेडिंग आइडियाज और वो भी जबरदस्त आइडियाज ट्रेड का चौका सेगमेंट में हमारे एक्सपर्ट्स की तरफ से। वैशाली नेटको फार्मा और हिंदुस्तान कॉपर पर बुलिश हैं, आपके टीवी स्क्रीन पर लगातार उनकी स्ट्रैटेजी टारगेट स्टॉप लॉसेस आप फ्लैश होते देख रहे हैं। वहीं राहुल की राय दिव्यानी इंटरनेशनल यानी कि क्विक सर्विस रेस्टोरेंट प्लेस आईटीसी जैसे कंजम्पशन थीम और साथ ही नागार्जुना कंस्ट्रक्शन कंपनी पर सारे के सारे स्टॉक्स में खरीदारी की कॉल, जो कि सीधा संकेत है बाजार के बुलिश आउटलुक का।